20 नवंबर को आएगी रिटेन और रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट। इन चार खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स दिखा सकती है बाहर का रास्ता। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें। आप सभी चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस पर आपको चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये लगभग कन्फर्म हो चुका है कि आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन मिड दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। खबरों की माने तो 16 दिसंबर को आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमें कुछ खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन करती हुई नजर आएंगी। इस बार रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट 20 नवंबर को आ सकती है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। इस लिस्ट में पहला नाम है रॉबिन उथप्पा का। आपको बता दें, रॉबिन उथप्पा ने संन्यास का ऐलान पहले ही कर दिया है। सीधा सा मतलब है कि रॉबिन उथप्पा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नहीं खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उथप्पा की जगह एक नए खिलाड़ी को शामिल करेगी। यहां पर दूसरा नाम है रविंद्र जडेजा का। ये तो चेन्नई सुपर किंग्स ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो रविंद्र जडेजा को किसी टीम के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलना चाहते हैं या नहीं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट रविंद्र जडेजा को नहीं मना पाती तो जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल 2023 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रविंद्र जडेजा मिनी ऑक्शन में अपना नाम दे सकती हैं। यहां पर तीसरा नाम है क्रिस जॉर्डन का। आपको बता दें, क्रिस जॉर्डन आईपीएल 2022 के सबसे महंगे गेंदबाजों में से एक रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्रिस जॉर्डन को रिलीज कर सकती है। यहाँ पर चौथा और आखिरी नाम है तुषार देशपांडे का। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तुषार देशपांडे को रिलीज कर सकती है। उनकी जगह एक अनुभवी तेज गेंदबाज को शामिल किया जा सकता है। वैसे भी आईपीएल 2022 में तेज गेंदबाजी सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई थी। आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स को कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।